बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद सऊद, चेयरमैन जागो तहरीक गोरशा, मोहम्मद सदर इंटरनेशनल उमराज मूवमेंट खैरपुर आने वाली। तो मैं आज आप तमाम लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हक पे बोलना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। अगर आप हक के साथ खड़े हो तो आपको ये निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो निभा पाते हैं, वरना लोग रास्तों से वापस लौट जाते हैं। तो मैंने जब ये काम शुरू किया, गोरशा मोहम्मद की आवाज़ उठाई, तो मेरे जहन में ये प्लान जरूर था कि मैं आगे जाकर मुश्किलात का शिकार होऊंगा, और इसलिए मैंने सोच रखा था, इस टारगेट के लिए मैं तैयार था। मैंने मेहनत करना शुरू की, मैंने ऐसा ऐसा आगे बढ़ना शुरू किया, लोगों के साथ मेल मिलाप शुरू किया, रहनुमाओं तक पहुँचना शुरू किया अपने मीडियाज़ के जरिए, अपने सोशलाइज के जरिए, अपने जरिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ भी गया मुझे इज्जत मिली, क्योंकि मैंने लोगों के साथ मुखलिसी के साथ काम किया। लेकिन जब मैंने गोरशा मोहम्मद की आवाज़ उठाई, ऐसा ऐसा जब उसका मोमेंटम बनाया, जब मैंने हिसाब मांगे इनको लूटने वाले कौन है, और इन लूटने वालों को जब मैंने मेंशन किया, उनके नाम ले, तो उनको शायद बुरा लगा, उनको शायद बात की तकलीफ पहुंची कि वाहिद बंदा है जो लूटने का हक मांग रहा है, इसको हम क्यों हिसाब दें, ये कौन पैदा हो गया गोरशा मोहम्मद हमसे हिसाब मांगने वाला, क्यों तुम्हारे बाप का है गोरशा मोहम्मद, यूनियन गठन तुम्हारे बाप की है, हम हिसाब भी ना मांगे, यहाँ जमहूरियत नहीं बादशाहत है, तुम लूट के खाओ, हम हिसाब भी ना मांगे, हिसाब तो देना पड़ेगा। जब मैंने ये बातें की तो उनको शायद बुरी लगी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैगाम भी भिजवाया कि जिनके बड़ों के साथ हमारे अच्छे तल्लुक आते हैं और ये बच्चा जो है हमारी इज्जत बिगाड़ रहा है। मैं कतन तौर पर कहता हूँ, मैं तमाम सियासी लीडरों की इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ, एक एज अ पर्सनैलिटी हम सबके साथ मिलना है, आना जाना है, लेकिन गोरशा मोहम्मद के मामले पर या यूनियन काउंसिल गठन के मामले पर जहाँ भी कोई ज्यादती होगी, किसी मजलूम के साथ ज्यादती होगी, कोई जुल्म जालिम जुल्म करेगा, तो मैं मजलूम के साथी बनूंगा और जुल्म के खिलाफ करूंगा। हाँ, मैं कोई बड़ा बिजनेस मैन नहीं हूँ, हाँ मैं बड़ा कोई जागीरदार नहीं हूँ, हाँ मैं कोई बड़ा मीडिया पर्सन, कोई बड़ा एंकर नहीं हूँ, मैं बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं बड़ा रहनुमा नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाई है, जो अल्लाह ताला ने मुझे हक और सच पर सच्चे दोस्त अता फरमाए हैं, जो लोग मेरा साथ देते हैं, उन लोगों के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने मुझे इतना मौका दिया है, इतना बोलने की तौफीक दी है कि मैं आप लोगों से अब गोरशा मोहम्मद हर मजलूम का हक मांग सकता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं ये करता रहूँगा। मुझे बड़े थ्रेट्स मिलते हैं कि तेरी औकात क्या, मेरी औकात कुछ भी नहीं है यार, मेरी औकात इतनी ज़्यादा नहीं है, मारने तो धमकियाँ ना दिया करो, ये रात के 3-3 बजे तुम अपने टोटों से फ़ोन करवाते हो, अपने दलालों से फ़ोन करवाते हो कि तू कराची में कहाँ रहता है, हम तुम्हें देख लेंगे। ओ भाई तुम्हें भी पता मैं कहाँ रहता हूँ, तुम्हें भी पता मैं कहाँ जॉब करता हूँ, है हिम्मत तो हाथ लगा के देखो, मारना है ना तो मारो, डराते क्यों हो। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ना तो मैं डरता हूँ और ना ही मुझे मरने से डर लगता है, क्योंकि मेरा ये यकीन है अरशद शरीफ की तरह, वो मेरे आइडियल भी थे, मेरे उस्ताद भी थे, मैं उनसे कभी मिला नहीं कि जिस दिन जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं गुजरेगी, जो मेरी रात कब्र में होगी ना वो बाहर नहीं गुजरेगी। तो इस तरह मैंने तो मौत अटल है, हकीकत है, आनी है, अगर वो इस तरीके से आएगी, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आएगी, तो मैं इस चीज़ को बड़ा खुश होकर कबूल करता हूँ कि मौत आ जाए, लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटूंगा, एक कदम क्या एक फुट भी पीछे नहीं हटूंगा कि अगर मैंने कभी हक नाक की बात, जब तक मेरे साथ तो मेरे कई अच्छे दोस्त थे, कई जिगरी दोस्त थे, जो खालिद खालिद कहते नहीं थकते थे, वो छोड़ के चले गए, दुख हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, दिल ने कहा ये दोस्त नहीं थे, ये आस्तीन के सांप थे, ये अपना मतलब निकलवाना चाहते थे, चले गए, वो दोस्त ही नहीं थे जो छोड़ के चला जाए। आज भी दोस्त खड़े हैं, आज भी इस साइड में मारो लंबी है दोस्तों की लाइन खड़ी, इस साइड पर आवाज मारो लंबी दोस्तों की लाइन, पॉलिटिशियनों में दोस्त, मीडिया पर्सन में दोस्त, एंकर में दोस्त, सहाफियों में दोस्त, हक की बात करोगे तो दुनिया आपका साथ देगी। मैं हक से पीछे नहीं हटूंगा, जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, इसी हक के लिए मेरी जॉब्स पे जो है बार बार हमले किए गए, मुझे बार बार जाती तनकीद का निशाना बनाया गया, मेरी माओ बहनों को गालियां दी गई, उनको जो है थ्रेट्स किया गया, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, ना बिकूंगा ना झुकूंगा ना डरूंगा, क्योंकि आपको नहीं पहली बार टक्कर का बंदा मिला है। और मैं बता देना चाहता हूँ तमाम माफियाज को, उन तमाम करप्ट सियासतदानों को, हल्का 64 के जो बड़े बड़े अपने आप को जागीरदार समझ बैठे हैं, ना मैंने हिम्मत मारी, ना मैंने अपना काफिला बदला, मैं चलता गया, कारवां बनता गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जान देने के लिए भी तैयार है। उन दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और प्रेस क्लब खैर पटाने वाली जो मेरे साथ, मेरे एक बाजू की तरह मेरे साथ खड़े, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम पॉलिटिशियन हजरात का शुक्रिया अदा करो जो मेरा साथ देते। मैं आज अपना हल्फन वादा करता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादर नादर जान की, ये आप लोगों से मेरा वादा है, जिस दिन भी 1 रुपए की करप्शन की,
जिस दिन भी किसी जालिम का साथ दिया, जिस दिन भी किसी झूठे के साथ खड़ा हुआ, जिस दिन भी किसी नाक के साथ खड़ा हुआ या किसी के खिलाफ गलत लिखा, तो उस दिन जिस दिन मेरा जमीर मौत में ना हुआ कि खालिदा तुमने गलत लिखा, उस दिन मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन नहीं, जब तक हक पर हूं मेरा जमीर मोतमिन है, तो बड़े बड़े माफी इसका, ये बड़े बड़े जो जागीरदारान बैठे हैं ना, ये पीरजादा खानदान, गदेजी खानदान, गडन खानदान, इनको आईना दिखाऊंगा। तुमने 34 साल से लुटा गोरशाह मोहम्मद, इनको तो गडन ख्याल पटा वाले हल्का 964 को हिसाब हिसाब दे दो। हिसाब नहीं दिया तो बता दो क्या क्या किया आपने 34 सालों में हमारे लिए। इस हल्के की आवाम को तो आपने बेवकूफ़ बना रखा है, अक्सर क्या आपने आखिरी टाइम पे आप बकरे चोरी करवा लेते हैं, उन्हीं को जेलों में बंद करवा के वोट हासिल कर लेते हैं। अब वो सियासत नहीं चलेगी, अब तब्दीली आएगी, अब वक्त बदलेगा, अब बाप दादा मामा चाचा पुप्पा ताया बीबी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, अब इस जमीर की आवाज पे वोट देना होगा। और मैं हल्के की आवाम को भी बताना चाहता हूं, मेरे हल्के के मासूम लोगों, आप तो जागो, आप नहीं तो कब जागोगे? आखिर कब तक तुम ये जुल्म बर्दाश्त करोगे? आखिर तक कब तक अपनी नाली, अपने स्कूल की अपग्रेडेशन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पुराना बसीदे निजाम को लेकर घूमते रहोगे? कब तक इलेक्शन में खुशियों के बाद वोट देकर रोते रहोगे, अपनी किस्मत में मातम करते रहोगे? कब तक अपनी हालत पे रोते रहोगे? और माए बच्चा ना रोए तो मां दूध नहीं देती। तुम लोग कैसे लोग हो? इस दफा तो बदलो, इस दफा तो निजाम को बदलो, एक दफा निजाम बदल के देखो, कहीं नया उम्मीदवार ला के देखो, छोड़ो पिछले जान छुड़ाओ, एक नया उम्मीदवार को आजमाओ, अपने हल्के की किस्मत सुधारो, बदलाव करो, चेंजिंग करो, थाना कचहरी की सियासत को छोड़ के अपने आपने अपने एक दूसरे का गरेबान पकड़ना छोड़ो। आओ हम सब मिलकर चेंज लाते हैं। हल्का एन एस चौधरी, मैं नौजवानों से भी कहता हूं, नौजवानों ये फिल्मी गाने, ये मुजरों, ये कंजरियों का डांस देखना, ये फजूल जगहों पे टाइम देना, मैं कहता हूं जिंदगी नहीं है, जिंदगी ये है कि दूसरे लोगों को टाइम देना, दूसरे लोगों के लिए जीना, अपने साथियों का, हमसायों का ख्याल करें, दोस्तों का ख्याल करें। अभी पिछले दिनों मेरे इलाके में एक काजी ने करप्शन की, मैंने आवाज उठाई, मेरी जुर्म, मेरा वहां जुर्म बन गया ये आवाज उठाना। मैं जाऊंगा, मेरा क्या फेसिंग होगी मैं जानता हूं, मेरी वालदा, मेरे लोगों ने मुझे क्या कहा मैं जानता हूं, आई बिलीव मी, बट नहीं समझौता करूंगा कभी करप्शन पे, ना करूंगा। मैंने ये ऐद कर लिया अपने अल्लाह से, अपने हजूर से, कि मैं करप्शन के खिलाफ समझौता नहीं करूंगा, आवाज पूछूंगा, इनसे हिसाब मांगूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर मुझे बोलने, सुनने, समझने की सलाहियत दी है, तो फिर मैं जी शुगर होने के बावजूद भी ना हक की तरफ क्यों जाऊं, मैं जालिम का साथ क्यों दूं? नहीं होगा। अब मैं जुल्म के खिलाफ खुल कर रहूंगा और मजलूम का साथ ही बनूंगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को सलामत रखे और मेरे साथ देने वालों को सलामत रखे, तमाम उन लोगों का, पॉलिटिशियन हजरात का, तमाम मीडिया पर्सन का, प्रेस क्लब ख्याल बटाने वाली का बहुत बहुत शुक्रिया।